सब्सक्राइब करूँ ओडिया ऑनलाइन चैनल को बेल आइकन को मध्य क्लिक करूँ जहाँफल प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाइपे। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। शुभ सकाल। तो आज आम आपको आपंकर दैनिक राशिफल कह जो राशिफल आम आपको कहु ग्रह मान साधारण गणना जहाँ को ज्योतिष शास्त्र में ग्रह मान गोचर नाम जना जाए यह मुख्यतः चंद्रदेव गोचर उपर आधारित अटे। तो आज आम आपको मेष ठार आरंभ कर मीन राशि पर्यंत विस्तार पूर्वक आज राशिफल कह जाऊँ। आज 25 जनवरी 2024 दिन गुरुवार, पौष मास शुक्लपक्ष मकर 11 दिन, आज देवाभिषेक पूर्णिमा, आज तिथि और नक्षत्र पूर्णिमा रात्र 11:24 पर्यंत, पुनर्वास नक्षत्र दिवा 8:16 पर्यंत, कर्कट चंद्र दंड 60 अहोरात्र, सूर्य दर्शन 6:24 और सूर्यास्त समय 5:32। आज घात चंद्र नाही, आज तुला कुंभ राशि घात 12। आज शुभ बेला प्रथम समय दिवा 8:38 पर्यंत, दिवा 10:53 अपराह 1:07 पर्यंत, दिवा 4:06 अपराह 5:36 पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज आमिष भक्षण निषेध। तो मेष ठार आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपणकर राशि कौन कही थाए आज आपणकर ग्रह नक्षत्र और आज आपंक एपरी के उपाय करवा आवश्यक जहाँफल आज आपणकर दिन की अत्यंत शुभ सब्यस्त हो क्रम सब प्रथम आसतु जाणी मेष राशि विषय ऊर्जावान जनजीवे प्रत्येक कार्य को उत्साह और आग्रह सहित संपूर्ण कर खुशी हे परिवार मध्ये मतमतांतर दूर हेबो स्नेह वृद्धि हेबो दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिबो चाकरियांग लागि दिनटी भल व्यापारी माने व्यापार को उन्नत करबा लागि नुवा योजना प्रस्तुत करिवे कोनोसी भी क्षेत्र रे निवेश आज आपन लागि अत्यंत ही शुभ रहिबो संपर्क मानकर घर को जीवा आसिबा लागि रहिबो परिवार रो पूर्ण स्नेह और सहयोग पाइबे करियर संक्रांत रे कोनोसी बड़ सफलता पाइबे जदि आपन काहा को पसंद करछंती त तांको मनर कथा कहिबा पई दिन की भल ऑफिस रे दिया जाइथिबा काम सहजरे संपन्न करिनेबे कौन से खुशी खबर मिलबो छात्र छात्री माने सांगसाथी मेल रे मौज मजलिस रे दिन काटिबे त प्रत्येक दृष्टि आज दिन की आपण लागि भल कौन से गोटे सुख खबर हस्तगत हेबो जहा कि मन रे प्रसन्नता आनी देबो शरीर सुस्थ और मन प्रसन्न रहिबो महिला मानक लागि दिन की अत्यंत शुभ महिला माने गृहकर्म रे लिप्त रही आत्मतृप्ति लाभ करिवे पड़ोसी मानक सह संपर्क रे सुधार आसिबो आय और व्यय समान रहिबो शिल्प वाणिज्य परिवहन व्यवसाय सभा समिति और जमीजमा क्षेत्र में उन्नतमान फलप्राप्त करिबे कोर्टे चलुथिबा कोनोसी गोटिया निर्णय आपणकर पक्ष रहिबो शत्रु परास्त हेबे समाज रे जश क्षेत्र रे वृद्धि घटिबो सेवा भाव रे उद्वृद्धि हेबो परोपकार करी खुशी हेबे द्रव्य लाभ घटि पारे कथरे लोकंकु बांधि रखिबे ऐतिह कार्य मनोबलिबो। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप हलदी रंगर वस्त्र परिधान करूँ कि हलदी रंगर कौन गोटे जिनस निज पाखर रखत और घर बाहर समय वस्त्र अतर पक आरंभ करूँ और आज आप कहारिक भी बाहन उधार दिंतु ना यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु वृष राशि विषय जानवा परिश्रम मुताबक फल आपको अवश्य प्राप्त होवसाय अचानक धनलाभ हो पारिवारिक जीवन सुखमय र छात्र को सीनियर्स का सहयोग मिल विद्यार्थी मानक दिन की अनुकूल और शुभ रार्मिक स्वभाव संपन्न रे निजपी कम और अन्न अधिक चिंता करेंगे आज कहार स्वास्थ्य उन्नति देखी आप खुशी अनुभव करेंगे सुखाद्य भोजन प्राप्त करेंगे प्रत्येक कार्य आज आपंकर सहज और सरलतार सहित संपन्न हो पारिवारिक जीवन भल रार स्नेह वृद्धि पर भाई मानक संपर्क मजबूत होहाजोग प्राप्त करेंगे जो भी कार्य हाथ को ने ताकि शेष अवश्य करें आज आप भाग्यर धनी जनाजे कर्म कम और फल अधिक परिणाम प्राप्त करेंगे प्रत्येक कार्य आज आपण सफलतार संभावना अधिक ही रपण सकारात्मक व्यवहार लोक प्रभावित करफिश्रे कौन खास काम अधूरा रहीपे आपण को बंधुबान्धवर आर्थिक साय मिल भाविता योजना बढ़िया प्रमाणित हो मिष्ट व्यवहार में सब कम पूरा करे आपण धन सम्बन्धी चिंता दूर हो नुआ वाहन किण लगे मन बल पारिवारिक बंधु सहयोग प्राप्त करेंगे वकिल मानक आज दिन की लाभदायक रस्या मानक समाधान सहजर हो समाज प्रतिष्ठा बढ़ो आग को बढ़ा लगे नुआ अवसर नजर को आसो पैसा संबंधित कौन से बड़ मामला समाधान होगीदारी कार्य भल परिणाम प्राप्त हो सतान दायित्व पूरा करेंगे आज दिन की विशेषकर अर्थप्राप्तिर दिन टी मानसिक शांतिर दिन र बुलाबूली करने आपण बाहर को जापारती जीवन साथी सहित अनेक मधुर मुहूर्त आज आपड़ बीतई पारती समस्या मानक समाधान पर कौन नुआ कौशल अवलंबन करेंगे। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आपण कौन गोटे भिकारी को पेट पूरा खावाक दिंतु और 500 ग्राम
लाल मसूर डाली प्रदान करंतु एवं आज आपण कहारिक भी मिछ कहंतु नाही एहा आपण को पई शुभ सब्यस्त हेबो एबे सुंदर मिथुन राशि विषय जानिबा पारिवारिक जीवन सुखमय रहइबो परिवार मध्यरे स्नेह रे वृद्धि हेबो विद्यार्थी माने पाठपढ़ा रे मनोनिजोग करिबे संपूर्ण दिनटी आज आपण को पई आनंददायक रहइबो निज पई जति के आनंद न रहइबे आपण को संतान मन को तरफरु अधिक आनंद प्राप्त करिबे दूर रे रहथिबा आपण को भाई भौणी किंबा आपण को परिवार रो कोनसी व्यक्ति को ठारु कोनसी शुभ खबर पई आपण आनंदित रहइबे दूरस्थान को यात्रा करि परंती बुला बुली करिवार प्लान करि परंती कर्म क्षेत्र रे अन्य मन को सहाय्य सहयोग प्राप्त करिबे तेबे आज आपण को स्वास्थ्य पई अल्प सावधान रहिबार अछि फास्ट फूड और जंक फूड परी खाद्य किंबा एपरी खाद्य जहाँकि आपण को लगे खराब होइथाय तो आज से दूर ही रहिबाक पड़िबो कारण आज आपंकर स्वास्थ्य किसी खराब रहीपे से खाद्य को नहीं सतर्कता अवलंबन करते बाकी प्रत्येक क्षेत्र भल ही रोक आपड़ कथा कहार आज कुशल जना जाए कौन गोटे समारोह आदि को बुलाक जापारती राजनीति क्षेत्र में जो मैंने से दिन की अत्यंत ही शुभ कौन जरूरी कम जीवनसाथी परामर्श नहीं करूँ भल फलाफल मिल सामाजिक उत्सव सहयोग करेंगे साहित्यिक लगे दिन की लाभप्रद रंगीत शुणा प्रति रुचि बढ़ व्यवसाय उन्नति लगे नुआ रणकौशल प्रस्तुत करेंगे सकारात्मक भावना रुंतु कम करवा सहज है आज आपंकर दृष्टिकोण प्रगतिशील रोबार विस्तार लगे कौन नुआ योजना प्रस्तुत करेंगे अफिस आपंकर कार्य को प्रशंसा मिल संपूर्ण दिन की मन प्रसन्नता रारिवारिक बंधु सहित साक्षात आलोचना हो कौन बड़ कंपानी चाकर लगे प्रस्ताव मिल खेला भल प्रदर्शन करेंगे निजठार दूर होता बंधु को मनइबारे आज आप सफल रे आर्थिक दृष्टि आज दिन की उत्तम रहा तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आपत नृसिंह भगवान को पूजा आराधना करूँ और भगवान निकट में तुलसीमाला और धला फूल अर्पण करूँ और आज कौन सी भी महिला सहित अभद्र व्यवहार करूँ ना यह आपण शुभ सब्यस्त होबु कर्कट राशि विषय जाना व्यवसाय मैंने अधिक खुशी रे अतिरिक्त धनलाभ प्राप्त करेंगे छात्र छात्री मैंने श्रृंखलित आचरण करेंगे पितामाता निर्देश मानि चलिबे बहुत दिन लगि रही अभाव असुविधार मुक्ति बाट मिल लव लाइफ दिन की भल पारिवारिक जीवन सुखपूर्ण व्यतीत हो कि साहसिकतार कार्यपाई मन बल आपण को भाग्यर संपूर्ण सहयोग मिल लोक आपण कथा को पूरा ध्यान देवे आपण को कौन खुशी खबर मिल नूतन कारबार में पैसा लगवाई भाविपारती दाम्पत्य संबंध में दूरता समाप्त हो कौन गोटे बदय घटना अवसान घट बहुत दिन आशा पूरण हो कौन गोटे हजि द्रव्यर सन्धान पाए महिला कर्म क्षेत्र में उच्च प्रशंसार अधिकारी हे महिला आज दिन की अत्यंत शुभफलदायक रत्येक कार्य समस्त प्रिय पलटि पर समस्त प्रिय भाजन हे चाकरी क्षेत्र में व्यक्ति उच्च अधिकारी निकटतर है आग को सुपरिणाम आनिकर आसवी गोटे पूर्व योजना मन मुताबक सफलता लाभ कर आवश्यक सहयोग पाइबे आर्थिक क्षेत्र में उन्नति घटव सामाजिक कार्य प्रति मन बल परपाई कार्य करग्रही रे भविष्यपी योजना प्रस्तुत करेंगे निजर जीवन को परिवर्तन करने लगी दिनचर्यार परिवर्तन करने लगी किसी चिंता विचार करेंगे समस्त ग्रह मान सपोर्ट कारण आज जो भी कार्य हाथ को ने सफलतार संभावना अधिक ही रिश्रम पूर्ण फल प्राप्त करेंगे दुई गुण फल प्राप्त करेंगे देह भल र परिवार मध्यरे स्नेह रे वृद्धि परिलक्षित हेबो तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप तुलसी चौरामूले शुद्ध घिअर दीपटी जालंतु और तुलसी चौरार अल्प माटी आनी कपाल लगे यात्रा आरंभ करंतु और आज आप ब्लाक कलर को अवॉइड करंतु यह आपण शुभ सब्यस्त हेबो एबे सुंदर सिंह राशि विषय जानिबा कौन बड़ कंपनी रे चाकरी लगे प्रस्ताव मिल खेला मैंने भल प्रदर्शन करेंगे निजठार दूर होता बंधु को मनइबारे आज आप सफल रे आर्थिक दृष्टि आज दिन की उत्तम रारिवारिक जीवन सुखमय रर्थिक दिग्ट मजबूत हो विद्यार्थी मान लगे दिन की अनुकूल ही रार्मिक स्वभाव वृद्धि घटे धार्मिक जत्रार भी जोग भल अच्छी मन निर्मल और पवित्र स्वभाव संपन्न रपूर्ण दिन की मन प्रसन्नता रत्येक कार्य को धीर स्थिर और गंभीर हो सठिक रूप से संपादन करेंगे अधिक रु अधिक लोकों प्रिय भाजन हो किसी नुआ मित्र हो पारती और कौन पुराणा मित्र भेट आपण मन को खुशी से भरीदे दिन की आपण के लगे अनुकूल कलात्मक कार्य आपण रुचि बढ़ो व्यापार में कौन नुआ अनुबंध हो पाए जीवनसाथी सहित संबंध में सामंजस्य बजाय रात्र अध्ययन में मन लगे आपण ऊर्जार स्तर बढ़िया रपण काम मन मुताबक हो
ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହେବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଖୁସିଭର ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଆଲୋଚକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କାରବାରରେ ଉନ୍ନତି ହେତୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଦିନଟି, ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଦିନଟି। ଆଜି ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ ଓ ଉପହାର ମିଳିପାରେ। ସିନିୟର୍ସଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଭାଗିତା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଅର୍ଥ ମିଳିବା ହେତୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବ। କଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଲାଲ ଜନ୍ଦା କିମ୍ବା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ କିମ୍ବା ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ କିଛି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥୋଇଦେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପଡ଼ିରହିଥିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମାଧାନ ପାଇଁ କୌଣସି ନୂଆ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ପରିଶ୍ରମ ମୁତାବକ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଚାନକ ଧନଲାଭ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସିନିୟର୍ସଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ଫେରିଆସିବା ପରି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିବେଶ ଆଜି ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବର ଦିନଟି। ସବୁକିଛି ମିଳାମିଶା ପରି ରହିବ। ନିଜର ଅହମିତା ଯୋଗୁଁ ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଯୋଜନାକୁ ଫଳବତୀ କରିବାରେ କିଛି ବାଧା ଆସିପାରେ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଧାର୍ମିକ ରହିବ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ଥିର ରହିବେ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକତର କାମ ପୁରା ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କର କାମର ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧୁର ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶୌର୍ଯ୍ୟକୁ ବଳ ମିଳିବ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, ଯଥେଷ୍ଟ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ମଜବୁତ ରହିବ। ତେବେ କୌଣସି ଖବର ପାଇଁ ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରେ। ଅର୍ଥ ଦେଣନେଣ ବ୍ୟାପାରରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଭାଗିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆପଣ ଅର୍ଥନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଭାବପ୍ରବଣ ରହିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିବେଶ କରନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ଆଜି କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି କାହାଠାରୁ ଅର୍ଥ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିଲେ ତ ସେଠାରୁ ଅବଶ୍ୟ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ କପାଳରେ ସିନ୍ଦୁର କିମ୍ବା ରକ୍ତଚନ୍ଦନର ଟୋପା ଲଗାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୁଳାରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଶତ୍ରୁତା ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆପଣ ଭଲ କଥା କହୁଥିଲେ ବି ଲୋକମାନେ ତାହାର ଖରାପ ଅର୍ଥ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କଥା ହେବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଯଥା ଆଶଙ୍କା ଅନୁଭବ କରିବେ। କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ମନରେ ଭୟ ଦେଖାଦେବ। ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ। ଭୁଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। ଅତି ନିକଟତର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିବ। ଗୃହ ଭେଦ ଘଟିପାରେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ଅସହଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। ପିତାପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର କିମ୍ବା ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ। ମୁଣ୍ଡରେ ସାମାନ୍ୟ ଭାରିପଣ ରହିବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନାରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖାମଖିଆଲି ସ୍ୱଭାବର ହେବେ। ସମୟର ଅପଚୟ କରି ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ସେତେଟା ଭଲ ନୁହେଁ। କାରବାର ସଙ୍କୁଚିତ ହେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇବ। ମୋହର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁଲ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ କିଛି ଛୋଟମୋଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି କୌଣସି ବି ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଶାରୀରିକ କ୍ଲେଶ ଅନୁଭବ କରିବେ। ମନରେ ବିଷଣ୍ଣତା ଭାବ ଆସିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରିବ। ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରିବାରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେବ। ଋଣ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ, ରୋଗ ପାଇଁ, ଔଷଧ କିଣିବା କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। ଆଜି ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବିତ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ମର୍ଯ୍ୟାଦାହାନିର ଆଶଙ୍କା ରହୁଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ତୁଳସୀ ଚଉର ମୂଳରେ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ। ଓ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଚାରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପୂର୍ବର ମତମତାନ୍ତର ଓ ମନାନ୍ତର ଦୂର ହେବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶୁଭଖବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଶା କରିଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ। ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ।
छात्रावास रोकवा छात्र मानी दिन की अत्यंत शुभ और अनुकूल रहा। आज आपण स्वभाव शांत और व्यवहार मिष्ट रोसी गोटे खास कम अनुभवी साय पाइबे। पुराणा बंधुं भेट हो कहारिकु हृदय मनर कथा कहे। आर्थिक स्थिति पूर्वापेक्षा मजबूत हो चाकरियां लगी भल सुजोग आसपे। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आसिबो। आर्थिक स्थिति ठीक रहिबो। लेखकों को आज पुरस्कार मिल पारे। जीवनसाथी सहित बाहर को बुलीजा लगे योजना करेंगे। प्रभु पूजा अर्चन आत्मसंतोष मिल। गुरुजन प्रति मन में प्रेम भाव रपण को कौन संस्था सम्मानित करे। ऑफिस रे सहकर्मी को पूरा सहयोग पाइबे। निज उपर विश्वास रखंतु। आपण प्रति क्षेत्र में सफल रहिबे। कौनसी जरूरी काम जीवनसाथी परामर्श नहीं करंतु। भल फलाफल मिल। सुसंवाद पाई खुशी हे। शरीर सुस्थ और मन प्रसन्न रारिवारिक जीवन आनंदमय रकरी क्षेत्र में सहकर्मी साहय सहयोग प्राप्त करेंगे। आयर सामान्य वृद्धि हो। प्रियजन ठार् आशानुरूप फलप्राप्ति हो। स्वादिष्ट भोजन जोग रोच। अपराह भ्रमण और बंधु मिलन जोग रोच। मालिमकोदम विजयी हे। समस्त प्रिय भाजन हे। अजाचित साय मिल। अभाव दूरेजी निजर वृद्धि प्रयोग लाभवान हे। पूर्व योजना मुताबक प्रत्येक कार्य को सठिक भाव में संपादन कर खुशी हे। तो आज दिन की आप शुभमय करने आज आपड़ कौन वयोज्येष्ठ ब्राह्मण को पुण्य भोज्य और दक्षिण पूर्वक आशीर्वाद भिक्षा करूँ। और आज आप कहारिक भी अधिक उपदेश दिंतु ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एसतु धनुराशि विषय जाना। भांगी जा संपर्क जोड़ी हे। पारिवारिक जीवन में सुख शांति वृद्धि देखा मिल। आज व्ययर परिमाण कम किसी शुभ खबर प्राप्त करेंगे। भाई भी संपर्क वृद्धि पाव। व्यक्तिगत जीवन में आनंद और शांति प्राप्त हो। अनेक दिन जदि मानसिक अशांति किसी चलुला तो तहार समाधान रास्ता टीए खोलीपे। कर्मजीवन रास्ता उन्मुक्त हो। कहीं आपन को साहय सहयोग हाथ बढ़ाए। आज दिन की आपण लगे स्वप्न और आशा सार्थक होगा। पर दिन टीए सुख और सौभाग्यर वृद्धि हो। स्थगित कार्य अतिशीघ्र पूरा हो। संगीत शुणा को मन आग्रह बढ़ो। जीवनसाथी व्यवहार प्रेम भरा रात्र छात्री मान लगे दिन की अत्यंत शुभ र। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नहीं। स्वास्थ्य भल ही रहा। पूर्व योजना मुताबक प्रत्येक कार्य को सफलतार सहित संपन्न करें। आर्थिक स्थिति भल रहा। धार्मिक यात्रा करपारती। मन ईश्वर अभिमुखी हो। आज संगीत शुणा को मन आग्रह बढ़ो। कला और संगीत क्षेत्र व्यक्ति लगे दिन की अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आसिबो। उन्नति भिन्न भिन्न रास्ता सामना को आसिबो। चाकरियों को कामधंदे लाभ मिल। छात्र छात्री लगे दिन की बढ़िया रहा। दिन की आपण को लगे सबदृष्टि भल। कौन सुजोग मिलवा हेतु धनलाभ हो। ऑफिस रे कौन सीनियर्स सहयोग में स्थगित थिबा काम पूरा हो। गृह को बंधु आगमन हो। धार्मिक यात्रा जोगबन अच्छी। कौन से धर्मस्थान को यात्रा करेंगे। आपण आज दिन की एक भिन्न अनुभव और एक भिन्न अनुभूतिर दिन रहाकि निज जीवनसाथी मतभेद मतद्वंद मतमतांतर कली झगड़ा आदि सब दूरेज अन्य प्रति भल पाइबार वृद्धि हो। तो आज दिन की आप शुभमय करने आज आप ओम नमः शिवाय यह मंत्री 108 थर जप करूँ। और आज आप कहार आगे निजर प्रशंसा करूँ ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं मकर राशि विषय जाना। निजठार दूर होता बंधु को मनाबारे आज आप सफल रहिबे। आर्थिक स्थिति आहुरी मजबूत हो। मानसिक और शारीरिक दृष्टि सुस्थ अनुभव करेंगे। कार्यक्षेत्र में अन्य मानक तालमेल बहुत बढ़िया रहिबो। व्यवसाय प्रचुर लाभ पाइबे। चाकरी खोजुवा व्यक्ति को शुभ खबर प्राप्त हो। आज आपण सब कार्य सहजरे पूरण हो। समाज में आपण स्थिति भल रश और ख्याति वृद्धि घटे। पुराणा बंधु सहित साक्षात आलोचना हो। धनलाभर नुआ रास्ता खोल। पर सदस्यों ठार् कौन नुआ उपहार प्राप्त हो। विद्यार्थी पाठपढ़ा प्रति मनोनिज करेंगे। धर्मकर्म प्रति मन बढ़ सात्विक स्वभाव में वृद्धि घटे। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नहीं। स्वास्थ्य भल ही रहा। आपण निजर ऊर्जा को भल कम लगे। नुआ व्यापार लगी जात्रा लाभप्रद रहा। सामाजिक कार्य कर सौभाग्य प्राप्त हो। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बजाय रहा। भाई सहयोग में आयर नुआ स्रोत प्रस्तुत हो। ऑफिस रे दिन भल रिष्ठ अधिकारी आपण प्रसन्न रहिबे। जीवनसाथी सहित संबंध में नूतनत्व आसिबो। आज आप भल कम कर खुशी हे। निजपे चिंता करपारती। हठात कौन निष्पत्ति बदल पारती। निजक सजाड़ा चेषा करेंगे। निजक पर रूप से देखा चेषा करेंगे। लोक मैंने किपर आपण को अधिक भल पातु सेपरी किसी कार्य आज आपारती। निजर लोक मैंने जदि कहीं आपण दूरे जाइंट तो आपण से निकटतर होगा चेषा करेंगे।
ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ହିଁ ରହିବାର ଅଛି। ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହେବ। କୌଣସି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିବ। ଖେଳାଳିମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ବାଇଗଣୀ କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ କାହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଖବର ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆଣିଦେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହସଖୁସିର ଲହରି ରହିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ଆପଣ ଉର୍ଜାବାନ ରହିବେ ଓ ସକ୍ରିୟ ଜଣାଯିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଅସମ୍ଭବ ପରି ଲାଗୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ବ୍ୟାପାରୀମାନେ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଆୟ କରିବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଶୁଭ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କୌଣସି ଠୋସ୍ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଦିନଟିଏ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବିକ୍ରି ବଢ଼ିବ ଓ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ହୋଇପାରେ। ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେତୁ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ପୁରା ଦିନ ଉର୍ଜାଭର ରହିବେ। ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ। କୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ରହିବ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ କିମ୍ବା ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅଦାଲତରେ ଚାଲୁଥିବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ରହିବ। ପ୍ରକାଶନ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଆଜିର ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଓ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଜମି କିଣାବିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତମାନର ଲାଭ ପାଇବେ। ଜମି ଦଲାଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧନଲାଭର ଦିନଟିଏ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇବ। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ଦେଖାଦେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବଜାୟ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଗାମୁଛା ଓ ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି ଟଙ୍କା ପଇସାର ଉଦ୍ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମୀନରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଆୟପନ୍ଥା ଖୋଲିଯିବ। ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନି ଚଳିବେ। ବହୁଦିନର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଆଜି ଦୂର ହେବ। ସରକାରୀ ଚାକିରିଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବରିଷ୍ଠ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବିସ୍ତାର ଲାଗି ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ବଡ଼ଙ୍କ ଅନୁମତି ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ। ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ପଇସା ସହିତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ କୌଣସି ମାମଲାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ। ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ। ଅତିରିକ୍ତ ଉର୍ଜାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଖୁସି ହେବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପୂରା ହେବ। ଆଜି ଯାହା ବି ଚାହିଁବେ ତାହା ପାଇବାରେ କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ରହିବେ। ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେବ। ସାଙ୍ଗସାଥୀ ତଥା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଗହଣରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଦିନ କାଟିବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ବିତିବ। ପିତାପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଓ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଅଳ୍ପ ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ରହିପାରନ୍ତି। ତ ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ବାକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଓ ଶୁଭ ରହିବ। ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଆୟ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟାପାରକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଚାର ଆସିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଓ ସାତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଆହରଣ କରନ୍ତୁ। ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହାର ବି ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।